Good morning. This is Amarjot Singh from Edmonton. And today is, what is the date today? Today is April 18th, Saturday. Edmonton में इस वक्त धूप निकली है, बड़ी हैरानी वाली बात है. धूप आज निकल गई कुछ दिनों के बाद और स्नो अभी जमी हुई है. थोड़ा सा लग रहा है कि गर्मी आनी शुरू हो गई है. और मेरे साथ जुड़े हुई हैं फ्रॉम विक्टोरिया नेहा. विक्टोरिया नेहा, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? बाय द वे, दिस इज निशा. ओह सॉरी सॉरी निशा, ओह सॉरी, इट हैपेंस बिकॉज़ ऑफ द कोरोनावायरस. ओह निशा निशा निशा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज. निशा जुड़ी हुई है विक्टोरिया से. और ये मैं एक आपको इसलिए बताना चाहता था कि बहुत लोग मायूस थे कोरोना वायरस में, उनकी एप्लीकेशन क्या होगी, कैसे होगी, कब खुलेगी, क्या है, किसी के न्यूज़ नहीं आ रही है. और मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. निशा, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? जी सर, जी. अप्रैल 17 की डेट आप देख पा रहे हैं. ये लेटर कल ही इशू हुआ है न्यू दिल्ली हाई कमीशन से. मेडिकल रिक्वेस्ट इनके हस्बैंड की आई है, तो इसका मतलब जाहिर है कि आगे के रास्ते खुलने वाले हैं. इनको स्पाउस वीज़ा जो डाला था और उसका स्पाउस वीज़ा का अब इनको लगना चाहिए. दैट्स व्हाई दे गिव अ मेडिकल रिक्वेस्ट, अदरवाइज मेडिकल रिक्वेस्ट का कोई पर्पज़ नहीं है. तो बहुत बड़ी आपने, निशा आपने तो क्रांति ला दी है एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि पिछले पिछले करीब करीब 2 महीने से, शायद जब से ये कोरोना वायरस का चक्कर चला है, सारी एप्लीकेशंस, सारे कंसल्टेंट्स की, लॉयर्स की, सारी फंसी पड़ी हैं. मतलब कि स्पाउस वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, सार फंसा पड़ा है और उसकी प्रोसेस नहीं हो रही. तो ये आपने जो न्यूज़ दी है, आई थिंक ये आपने श्री गणेश किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत दिलों तय दिल से आभारी हूँ. थैंक यू सर. इट्स लाइक हम तो रेडी भी नहीं थे इंटरव्यू का, जब रिक्वेस्ट आया था पता भी नहीं था इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, क्या करना है. आपसे मिले उसके बाद आपने इतने अच्छे से गाइड किया. आई थिंक सबसे बेस्ट जो आपने गाइडेंस दी वो ये थी कि आपने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे इंटरव्यू में यहाँ से इंडिया जाना चाहिए. आई थिंक दैट मेड अ डिफरेंस, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड अकेले होते मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं कर पाते क्लियर, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक वीजा ऑफिसर यही देखना चाहता है. आई थिंक वही एक सबसे बड़ा पैरामीटर होता है ऑथेंटिसिटी ऑफ योर मैरिज देखने का. जो आपने सजेस्ट किया और विदाउट इवन गिविंग इट अ सेकंड थॉट मैंने इमीडिएटली अपने टिकट्स बुक किए और मैं इंडिया चली गई थी, तो वो बहुत बड़ा आपने डिफरेंस क्रिएट किया फॉर श्योर. थोड़ा सा 2 मिनट लेके थोड़ा सा बताएं कि डोंट हैव टू टेल प्राइवेट इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा बताएं कि आपके मैरिज रिलेशंस में क्या प्रॉब्लम थी जिसको लेकर उन्होंने वीजा इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया. और सारी दुनिया को पता है कि वीजा इंटरव्यू कुछ ऑफिसर जो लेते हैं बहुत टफ होते हैं, और उन्हीं टफ ऑफिसर में से उन्हीं में से किसी ने एक को, आपके हस्बैंड को, इंटरव्यू बुलाया. तो उसमें क्या परेशानी क्या थी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी कि इंटरव्यू बुलाना पड़ा? सर बेसिकली मेरे हस्बैंड की और मेरी दूसरी शादी है, और हमारे जो मेरे हस्बैंड की जो पहले शादी हुई थी, तो जब हमने डॉक्यूमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे कंसल्टेंट ने डॉक्यूमेंट, नाम नहीं लूंगी सर अपने कंसल्टेंट का, बट जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तो बाय मिस्टेक उन्होंने जो हमारी नई, जो मेरे हस्बैंड की मेरी जो इनकी सेकेंड शादी है उसकी डेट और उनके पहले डिवोर्स की डेट सेम मंथ और सेम ईयर में डाल दी थी. तो दिसंबर 2018 में हमारी शादी हुई थी और उन्होंने दिसंबर 2018 ही उनका डिवोर्स डेट दिखा दिया था. तो आई थिंक वहां पे वीजा ऑफिसर्स को लगा होगा कि ये क्या ऐसा, इट्स नॉट पॉसिबल और समथिंग लाइक दैट. आई एम थैंकफुल कि उन्होंने रिफ्यूज और रिजेक्ट नहीं करके हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया, सो दैट वी कैन ऑल्सो पुट अक्रॉस आवर स्टोरी. अनदर थिंग सर, जब हमारी वीजा एप्लीकेशन फाइल हुई थी तो बिकॉज इट इज अ स्पाउस वीजा, उसमें हमारे फोटोग्राफ्स होने चाहिए थे शादी के, तो वो सब कुछ नहीं था, फाइलिंग ऑफ वीजा नहीं थी. तो मुझे लगता है दूसरा एक ये वजह थी कि वो ये देखना चाहते थे कि जेन्युइनली हमारी शादी जेन्युइन है या फिर सिर्फ कनाडा के वीजा के लिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने, जैसा कि मोस्टली लोग करते हैं, हमने सिर्फ शादी फेक की है. तो ये मुझे लगता है दो चीजें थी. तो जब हम इंटरव्यू के लिए गए, डेफिनेटली सर ऑफिसर वॉज स्ट्रिक्ट, नो डाउट अबाउट इट. शी वॉज अ लेडी ऑफिसर, देर इज नो डाउट अबाउट इट. शी वॉज स्ट्रिक्ट and more than strict sir, they are very to the point. उन्हें कहानियां नहीं चाहिए, जो उन्होंने पूछा आप उसका सीधा सरल जवाब दे दो, they are okay with it. और दूसरी चीज सर, वो जिस जगह पे बैठे हैं वो शायद ना देख के पता लगा लेते हैं. मेरे को ऐसा लगता है कि उनको इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो देख के ही पता लगा लेते हैं कि मतलब कितना कहानी कितनी जेन्युइन है और कितनी फेक है. तो जब मैं गई थी वहां पे, तो हमें, हमने एक
सर क्या होता है ट्रांसलेटर करते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं ट्रांसलेटर एक कर लेता हूँ साथ में, अगर कोई कंफ्यूजन रहेगी तो वो क्लियर कर देगी. तो हम लेके गए, लेकिन जब हम अंदर गए तो मैं भी अंदर चले गई कैबिन में. जब इनका नंबर आया तो शी वॉज शॉक टू सी थ्री ऑफ अस. कमरा बहुत छोटा और हम तीनों घुस गए एक साथ. तो ही सेड वेयर इज राहुल, तो देन राहुल सेड आई एम हियर, और फिर मैंने बोला आई एम हिज वाइफ. तो उसने मुझे बोला नहीं आप बाहर जाइए, जब मुझे जरूरत होगी आई विल कॉल यू. तो मैं बाहर आ गई. मैं कहना चाहती थी कि मैम अगर कोई डाउट हो ये हो मुझे बुला लेना, मगर सर मैंने उनका जो बॉडी लैंग्वेज देखा इतना मुझे भी समझ आ गया कि दैट वाज नॉट द राइट मोमेंट टू से एनीथिंग टू हर. आई जस्ट सिंपली क्वाइटली स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम. तो मैं बाहर आने के बाद में मैं गेट के ही एक्चुअली पास खड़ी हो गई. ब्लैक कलर के शीशे होते हैं बाहर का, उनको दिखता है हाउएवर. मगर फिर 2 मिनट के बाद उन्होंने वो जो ट्रांसलेटर थी उसको भी बाहर भेज दिया. तो उन्होंने बोला कि राहुल से उन्होंने पूछा कि आपको किस में लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, तो उन्होंने बोला हिंदी में. तो उसने बोला ठीक है फिर आप इनको वापस भेज दो. तो वो भी वापस आ गई. तो अंदर सिर्फ राहुल थे और वो जो लेडी है वो थी. मैंने ऐसा सुना है सर कि वो पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, वीजा ऑफिसर्स बताते हैं अपने नाम, लेकिन मेरे हस्बैंड के केस में ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने अपना कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, बस उन्होंने सीधे राहुल से सवाल जवाब स्टार्ट कर दिए. तो हमें आज तक नहीं पता कि हमारे वीजा ऑफिसर का नाम क्या था. ओके जी सर, ठीक है. तो उसके बाद में उन्होंने सर पूछा मेरे से रिलेटेड, तो उन्होंने बहुत ही कम सवाल पूछे, 2-3 सवाल पूछे, क्योंकि एक्चुअली मैंने और मेरे हस्बैंड ने हम दोनों ने अपने अपने हाथों पे एक दूसरे के नाम का टैटू करा रखा है. वाह ऊपर से क्या बात है. और ऊपर से सर मैं भी साक्षात पहुंच ही गई थी. तो मुझे लगता है हमारी शादी को लेके सारे सवाल तो उनके वहीं खत्म हो गए थे. 2-4 मेरे बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी, मैं कहाँ नौकरी करती हूँ, मेरी कितनी सैलरी है, ये उन्होंने पूछा था. और मैं कैसे आई हूँ, बहुत ही रीसेंट और लेटेस्ट सवाल था. तो वो थैंकफुली हमने बाहर ही बैठ के जो है एक बार मतलब दोबारा से रिफ्रेश कर लिया था कि मैं इस फ्लाइट से आई हूँ. तो उसने ये भी पूछा कि वाया आई है डायरेक्ट आई है. तो मेरे हस्बैंड ने जवाब दे पाए कि वाया आई है और वाया टोरंटो होके आई है. तो ये सारी चीजें उन्होंने मेरे बारे में पूछी. कब मिले थे, डेफिनेटली पूछा कि हम फर्स्ट टाइम कब मिले थे. और बाकी सर बहुत ज्यादा डिटेल्स हमारी शादी की ना पूछ के उनकी पहले डिवोर्स की जो डिटेल थी ना सर वो उसने पूछी बहुत ज्यादा. मेरा हस्बैंड का पहले एक टूरिस्ट वीजा भी रिजेक्ट हो रखा है, तो फिर उससे रिलेटेड भी उन्होंने काफी सवाल जवाब किए थे कि उसमें उन्होंने जो डिटेल्स दी थी. और सेकेंडली हमारा इंटरव्यू इस डिसीजन पे खत्म हुआ था कि मेरे हस्बैंड का डिवोर्स पेपर्स तो थे मगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं था. डिवोर्स डिक्री होती है जिसमें लिखा होता है कि ये शादी अब डिसॉल्व हो चुकी है. तो कम से कम सर 40 एग्जैक्टली मैं बाहर देख रही थी सर 45 मिनट तक मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू चला, जिसमें से 40 मिनट तक वो सिर्फ और सिर्फ यही पूछ रही थी उनसे डिवोर्स के बारे में. उसने सारी इन्फॉर्मेशन पूछी और उन्होंने लास्ट में ये बोला, थोड़ा कंसिडरेट किया, उन्होंने ये बोला कि मैं आपका बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ और लेकिन आपको ये जो डिवोर्स के पेपर है अगर अब तक आप ये मुझे नहीं दोगे मैं आगे कोई भी डिसीजन नहीं ले पाऊंगी. ये इंटरव्यू कौन सी तारीख को हुआ था? ये सर हमारा हुआ था 11 फरवरी को. फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ 2 महीने पूरे लग गए. और सर उन्होंने हमें 1 महीने का टाइम दिया डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है. जो मैंने सुना था लोगों से वो यही कहते हैं कि इतना ज्यादा टाइम मिलता नहीं है. नहीं, 1 महीना तो ठीक है, रीजनेबल टाइम है. दे विल टिपिकली गिव यू 30 डेज. इट्स नॉट वेरी अनयूजुअल टू एक्सपेक्ट के जल्दी से दें. बट दैट वाज वेरी नाइस ऑफ हर दैट शी गेव अस 1 मंथ, बिकॉज़ हमें लखनऊ जाकर वो डॉक्यूमेंट निकलवाना पड़ा था. या चलिए बहरहाल, अब ये बताएं कि इंटरव्यू में जो फेस किया है, जो इंटरव्यू में मतलब कि कई लोगों का ये कहना है कि भाई इंटरव्यू तो ऐसे ही जाके दे देते हैं, इंटरव्यू जो कंसल्टेंट्स भी यहाँ कहते हैं इंटरव्यू में क्या है, जो लिखा है वही पूछेंगे, आप जाके दे दो इंटरव्यू. लेकिन ये तो ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसी बात हुई कि एग्जामिनेशन में क्या है, एग्जामिनेशन में जो पर्चा जो किताब में है वही आएगा, लेकिन जब तक तैयारी नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन में को फेस कैसे करोगे? एब्सोल्युटली सर, बैंग ऑन, लाइक बिंगो. अगर हम और मैं और मेरे अगर हम आपसे कंसल्ट नहीं करते तो हम भी ऐसे ही अनप्रिपेयर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं तो जाती ही नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. अगर आप मुझे ये वाली बातें नहीं बोलते तो मैं तो नहीं जाती. तो मैं इनको बोलती कि ठीक है इंटरव्यू है तुम चले जाओ, इट्स ओके. और ना हमें ये पता होता कि हमें एक दूसरे के बारे में ऐसे बोलना है. आपने एक बात बोली थी सर जो बहुत ही वैलिड थी, आपने कहा था हीर रांझा भी अगर जाएंगे ना वो उनका भी वीजा रिजेक्ट कर सकते हैं अगर उनको अपने चाहे वो बहुत प्यार करते हैं, मगर एक दूसरे के बारे में अगर डिटेल्स नहीं पता तो उस प्यार की कोई वो नहीं है. यही पर दो रुक जाइए, बड़ा
बड़ा मैं एक इस एग्जांपल को मैं बड़ा ही यूज करता हूँ एक्चुअली, कि अगर लैला मजनू भी जाएंगे इंटरव्यू के लिए, जी हो सकता है कि वीजा ऑफिसर कह दें कि भाई लैला तुम्हारी शादी नकली है, क्यों? क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि मजनू ने कौन सी शर्ट पहनी थी शादी, कौन से रंग की शर्ट पहनी थी शादी के दिन, तो आपकी शादी नकली है। मतलब ये मान के चलते हैं कि एक दूसरे को 100% इंटीमेट इंफॉर्मेशन है एक दूसरे के बारे में, तब जाके हम मानेंगे कि आपकी शादी जेन्युइन है, अदरवाइज आपका प्यार झूठा है। ये एक उनकी सोच है फॉर सम रीजन। बिल्कुल। अनदर थिंग सर, आपने ये भी कहा था, आपने बहुत सारे पॉइंट्स बोले जो सारे ही हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुए, क्योंकि सर हम तो बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं थे। इवन मेरे हस्बैंड आज तक भी ये नहीं जानते थे सर मेरी मासी का नाम क्या है। आप उनसे पूछ लो, वो गांव खेड़े में कोई होगा उसका भी नाम पता है उनको, क्योंकि याद कर लिया उसने। हमने प्रिपेयर किया और एक्चुअली सर उन्होंने शादी के एल्बम में से एक एक पर्सन को आइडेंटिफाई कराया मेरे हस्बैंड से। हमारी शादी की फोटोज देखी, हमारी लेटेस्ट हमने सारी फोटोज लेके गए थे, सारी चैट्स लेके गए थे। हमारे हनीमून पे मैंने आपको शायद बताया भी था, मैं पूरे ससुराल के साथ हनीमून पे गई थी, तो वो भी हमने उनको फोटोज दिखाई थी। तो वो मतलब ये सारी चीजें जेन्युइन थी, मतलब आप इतना सब कुछ फेक नहीं कर सकते ऑब्वियसली। और मेरी सास के साथ मैं लेटेस्ट अभी जब गई थी तो भी हमने जो फोटोज खींचे थे हम वो लेके गए थे। तो ये सारी चीजें आपका, आपने जो गाइडेंस किया था वो एग्जैक्टली मैंने वैसे वैसे ही किया, और तभी हमारी शादी को लेके उनके पास कोई सवाल नहीं थे, कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि जेन्युइन और ऑथेंटिसिटी वो देख चुके थे। पर वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट हमारा मिसिंग था, अगर सर वो भी हमारे पास होता हमें ऑन द स्पॉट मेडिकल लेटर दे देते, हमें इतना वेट नहीं करना पड़ता। मैडम ये सब आपके पूर्व जन्म के कर्म है, आपके संजोग है, और आपका वीजा लगना था, किस्मत से, हमारी किस्मत है कि आप हमारे पास आ गए, जो पुराने जन्मों का कुछ लेना देना था वो हुआ और वीजा आपका लग जाएगा। तो इसमें इसमें हम लोग का कुछ नहीं है, और जो कुछ है सो आपके कर्म है, आपके जो मत्थे की लकीरें हैं वो बोल रही हैं। और बाकी एक्चुअली एक हम उनका नाम आप हम लोग भूल गए मेंशन करना कि सुखमन जीत ने आपकी काफी प्रैक्टिस कराई है। हेल्प द लॉर्ड सर, व्हेन आई से यू मींस आई कंप्लीटली मीन यू एंड हिम ऑब्वियसली सर। आप दोनों ने, उन्होंने तो बहुत हेल्प किया, रात रात में कॉल में पूरी वो एक दिन एक घंटे, मेरे हस्बैंड तो इतना कनेक्टेड थे उनके साथ, एक इंटरव्यू से 10 मिनट पहले भी कॉल उन्हीं से बात कर रहे हैं, वो बहुत उनको कॉन्फिडेंस दे रहे थे। इनफैक्ट जिस दिन हमें लेटर भी आया था एडिशनल डॉक्यूमेंट का, तो सुखमनजीत सर का फोन आता है मेरे हस्बैंड के फोन पे, मेरे हस्बैंड वॉशरूम में थे तो मैंने उठा लिया, तो उन्होंने यही बोला सीधे कांग्रेचुलेशंस। तो मैंने बोला, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, हम तो टेंस थे कि डॉक्यूमेंट मांगे, तो उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट मांगना ही यही अपने आप में आप ये समझ के चलो कि आपका वीजा आ जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ही वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज सो पॉजिटिव थ्रू आउट द प्रोसेस एंड ही केप्ट अस ऑल्सो पॉजिटिव। या सुखमनजीत के बारे में मैं काफी एक ओपिनियन दे चुका हूँ पुराने वीडियोस में कि इस वक्त आज की डेट में पूरे कनाडा में जो इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, काफी अलग अलग एप्लीकेशन करते हैं, कोई किसी में स्पेशलाइज करता है, कोई किसी में करता है, सारे लॉयर सारे कंसल्टेंट स्पाउस वीजा में स्पेशलिस्ट नहीं है। नंबर वन, जितने भी स्पाउस वीजा में स्पेशलिस्ट हैं उनमें से मेरा मानना है कि जो इंटरव्यू की तैयारी है उसमें सुखमनजीत सिंह इज द लीडर, और क्योंकि उसकी खासियत ये है कि वो इन सब बातों को समझता है और वो खुद इंटरव्यू देकर आया हुआ है यहाँ पर, और उसने मेरे ख्याल एटलीस्ट 15-20 इंटरव्यू ऐसे उसने देखे हैं, ऐसे मतलब जिनके केस हुए हैं सारे। तो इस वक्त इंटरव्यू में ही इज द लीडर राइट नाउ, और जितने भी स्पाउस इंटरव्यू आते हैं तो मैं केस उसी को असाइन करता हूं। No doubt about it, sir. He is indeed a leader. तो ये चलो, थैंक यू वेरी मच, आपका ये है Thanks to you, sir. आपका ये काम हो गया, और ये कोरोना वायरस का जब भी ये खुलेगा, जब ये वीजा लगेगा, अब आपके केस को मैं बहुत पैनी निकाह से भी देख रहा हूँ, क्योंकि पासपोर्ट जब वो अब पासपोर्ट रिक्वेस्ट कैसे करवाते हैं आपसे, वीजा कैसे लगता है, और फिर ये लॉकडाउन खुलेगा तब आप वो कैसे आएंगे। जो सर हमने एक्चुअली हॉस्पिटल में बात की थी कल, तो मैक्स हॉस्पिटल जो पैनल फिजिशियन है उससे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि लॉकडाउन की वजह से उन्होंने हॉस्पिटल पूरा कोविड-19 को डेडिकेट करा हुआ है, तो उसी का अभी वहां पे ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कोई हमारे वीजा के लिए मेडिकल नहीं हो रहे हैं, और उन्होंने बोला है कि लॉकडाउन खुलने के बाद आप कॉल करिएगा, वैसे हम अभी फिलहाल अपॉइंटमेंट्स भी नहीं ले रहे हैं। Another thing is कि हमने अपने कंसल्टेंट को बताया, तो उसने बोला कि हम एक मेल मंगा लेते हैं अगर,
कि मैक्स हॉस्पिटल अभी नहीं कर रहे हैं, तो वो मेल हम आगे सीआईसी को फॉरवर्ड करेंगे, बेसिस ऑन दैट हमारा जो 1 month का एक्सटेंशन है वो शायद और आगे बढ़ जाएगा. तो अभी लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. हाँ वो तो बढ़ जाएगा यार. मेरे को ये पता है कि जैसे बायोमेट्रिक का होता है ना, जैसे बायोमेट्रिक में नॉर्मली जहाँ पर 30 days में वो कहते हैं कि आप बायोमेट्रिक करो, आजकल उसका 90 days है. तो ऐसे ऐसे मतलब मेडिकल में भी होगा, तो उसमें आपको इमिग्रेशन आपको पेनलाइज नहीं करेगी कि आप किसी वजह से आप मेडिकल नहीं करा सके. तो वो समझते हैं इस बात को, जब सारी दुनिया ही बंद है तो मेडिकल करेगा कौन, बट एटलीस्ट कुछ इस पॉजिटिव तो आई सर, कम से कम रातों के चैन मोड़ा हुआ था सब. अब नाउ आई विल बी एबल टू स्लीप. कम से कम इस प्रोसेस के जो जो पहिए हैं, जो रथ के पहिए हैं, वो आगे तो बढ़े. जी सर. और फिर चलो अच्छी बात है. सो थैंक यू वेरी मच. अप्रैल 17 को ये आया है, कल आया है. मैं तो ये मान के चल रहा था कि भाई ये अब ये पता नहीं ये सारे केस कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, लेकिन आपकी जो कल खबर आई है उससे मेरा मन भी उत्साहित हो गया. आजकल मैं रामायण देख रहा हूँ आजकल. क्या तो, बात है सर, तो हिंदी का आपका वो दिख रहा है मुझे. हाँ, तो मैं भी फिर वो राम और लक्ष्मण की भाषा बोल रहा हूँ एक्चुअली. मेरा मन भी गदगद हो उठा है इसको देखकर. ठीक है, थैंक यू. हैव अ गुड डे. थैंक यू वेरी मच. और हैव अ नाइस डे फॉर द रेस्ट ऑफ द डे टुडे. थैंक यू सर. यू टू. बाय बाय.